मैं जीपीएस भी सीख लूं, मैं गाड़ी भी सीख लूं, मैं गाड़ी भी चला लिया करूं, तू यहाँ बैठ के और ढोलक बजा। सब हम कर ले बेटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन मेरे काफ़ी सारे जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा मेरा फुटेज गाड़ी के अंदर का होता है, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो मम्मी, गड्डी पाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये पूरा हमारा व्लॉगिंग सेटअप होता है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस वक्त जब मुझे वीडियो बनाना हो गाड़ी चलाते वक्त, मैं इस कैमरे को ऐसे हाथ में पकड़े रहूँ या फिर मम्मी को दे दूँ और मम्मी उसको पूरे टाइम पकड़े रहें, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। कार जब चल रही हो तो बेटर ये है कि ये कैमरा कहीं फिक्स रहे, तो हम इसको डैशबोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। इस कैमरे को हम लोग सामने फिक्स कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है माउंट और ये है एक एडिसिव पैड। इसको आप एक डबल साइडेड टेप की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो एडिसिव पैड है, इसको हम पीछे चिपकाते हैं और फिर इसको ऐसे का ऐसा लेके डैशबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। ये जो आप माउंट देख रहे हैं, ये लगभग मैंने 2 साल से लगाया हुआ है। ये बहुत स्टडी है, बिल्कुल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसके बाद ये है एक जे हुक। ये जो जे हुक है, इसके ऊपर हम लोग गोप्रो को अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से एडिसिव पैड, माउंट और ये वाला हुक को यूज करके हम इस कैमरे को सामने अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कैमरा एंगल। ये जो हुक है, ये चारों तरफ घूम जाता है, 360 डिग्री रोटेटेबल है। हाँ, तो फिर हम इसको जहाँ जिस साइड की फोटो लेनी रहती है, उस साइड इसको दिखा देते हैं। तो इसको चारों तरफ घुमाने का फायदा ये है कि मान लीजिए गाड़ी के इस वाली विंडो की तरफ आके कोई मेरे से बात कर रहा है, तो मैं इस तरफ घुमा देता हूँ ताकि जो मेरे से बात कर रहा है उसका भी वीडियो इसमें आ जाए। ये तो हो गया कैमरा एंगल। अब आते हैं ऑडियो में। मेरे स्टार्टिंग के जो ट्रैवल लॉग्स अगर आप लोगों ने देखे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑडियो हम गाड़ी में बैठ के जब बात करते रहते थे, जो ऑडियो आता था, उसमें बहुत सारा इंजन का डिस्टर्बेंस की साउंड पिकअप हो जाती थी। वाट्स लेक, ये सारी चीज़ें हमने कवर की और उसके अगले दिन फिर शिलोंग से निकले। तो इसका हमने सॉल्यूशन निकाला, एक लेवलियर माइक। ये जो लेवलियर माइक मैंने आपको बताया था, ये हमेशा मेरी शर्ट में प्लग्ड रहता है और ये जब मेरी शर्ट में प्लग्ड रहता है तो इंजन का उतना डिस्टर्बेंस नहीं लेता। तो ये माइक हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठा गाड़ी के अंदर यूज़ करने के लिए। वैसे ही ये माइक जनरली उसी कैरेक्टर की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है जिसकी शर्ट में प्लग्ड हो, लेकिन मम्मी यहाँ पास में बैठी रहती हैं और जब गाड़ी के विंडोज़ रोल्ड अप होते हैं तो मम्मी की आवाज़ भी बड़ी आसानी से आ जाती है। और ऑफ कोर्स बीच बीच में मैं मम्मी को जोर जोर से चिल्ला के ये याद दिलाता रहता हूँ कि आपको जोर से बोलना है। अब आप कुछ बोलो। वोटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जोर से। वोटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि ये माइक ना ये अपने में लगाया रहता है और बस मेरी आवाज को कहता रहता और जोर से बोलो और जोर से बोलो। अगर ये माइक मेरे में लगा होता तो फिर मेरे को थोड़ी जोर जोर से बोलना पड़ता या इसको कहना पड़ता। ये माइक मैं अपने मेरे में लगा दे, ये आइडिया इसने कभी मेरे को नहीं दिया और मेरे को बेवकूफ बनाता रहता, जब देखो तब जोर से बोलो जोर से। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया। मेरी शर्ट में अंदर प्लग्ड रहता है इसीलिए। तो खैर, मोटा मोटा फाइनली हमने इस चीज़ का सॉल्यूशन ये निकाला कि इस माइक को जब हम लोग कार में ट्रैवल करते रहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मम्मी के कंधे पे मैं अटैच कर देता हूँ। सामने कैमरा रहता है, मम्मी के कंधे से इसको अटैच कर दिया, हम दोनों की आवाज़ यहाँ पे बराबरी से ले लेता है। तो ऐसे ऑडियो का हमने सॉल्यूशन निकाला। व्यूअर्स को हमारा वीडियो तब ज़्यादा पसंद आएगा जब वो देख पाएँ जब एग्जैक्टली हम देख रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रेन चेंज होता रहता है, आसपास के नज़ारे बदलते रहते हैं, तो उसका व्यू जब हम अपने व्यूअर्स को देते हैं तो वीडियो और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसीलिए सामने जो रास्ता है उसका एक परफेक्ट व्यू हमें बीच बीच में लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सामने जो कैमरा लगा रहता है ये किस तरीके से 360 डिग्री रोटेटेबल है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि यहाँ पे कैमरा और सामने जो रोड का व्यू होता है उसके बीच में विंड स्क्रीन आ जाता है, जिस वजह से वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। इसके लिए मैंने एक और सोल्यूशन निकाला, एक दूसरा माउंट लगाया यहाँ पे स्टीयरिंग के आगे। ये स्क्रीन के बिल्कुल विंड स्क्रीन के बिल्कुल पास था। विंड स्क्रीन के कैमरा अगर पास जाता है तो डिस्टॉर्शन कम होता है, वहाँ से थोड़ा डिस्टॉर्शन कम हो गया, लेकिन उसमें वो बहुत अनकंफर्टेबल सी जगह है, वहाँ पे बार बार सामने झुक के क्लैंप लगाना और सामने झुक के क्लैंप निकालना बड़ा मुश्किल था। तो आखिरकार फाइनली ये हमें समझ में ये आया कि अंदर गाड़ी के अंदर ये कैमरा नहीं लग पाएगा और हमें गाड़ी के बाहर बॉडी में हमें माउंट लगाने पड़ेंगे ताकि हम बाहर कैमरा अटैच कर सकें। तो इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी की बॉडी पे दो अलग अलग जगह माउंट्स लगाए, एक मैंने सामने लगाया बोनट पे और एक मैंने पीछे लगाया डिक्की के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे कैमरा बड़ी आसानी से अटैच हो जाता है, बीच में कोई विंडस्क्रीन जैसी चीज़ नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
ये आगे और पीछे कैमरा बाहर लगाने में प्रॉब्लम ये है कि बार बार उतरो, गाड़ी रोको, फिर इधर कैमरा लगाओ, फिर उधर लगाओ, फिर उनको निकालो, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था और ये थक जाता था, और थकने के बाद तो आदमी चिड़चिड़ाने ही लगता है। तो ये एक दिक्कत है इसमें कि आप बार बार रोको, बार बार गाड़ी से उतरो, फिर माउंट लगाओ, फिर निकालो, फिर पीछे लगाओ, फिर निकालो। तो मम्मी ने मुझे सजेशन दिया कि तू कोई ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पे तू गाड़ी में बैठे बैठे ही कैमरे के एंगल चेंज कर पाए। मम्मी ने मेरे को आइडिया ये दिया कि इधर ये जो अपना साइड व्यू मिरर है इसके ऊपर मैं एक माउंट लगा लूँ। तो ये आइडिया मेरे को एकदम से बड़ा पसंद आ गया। यहाँ पे मैंने एक माउंट लगाया और इस पे कैमरा अटैच करना बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बड़ी आसानी से इसमें कैमरा अटैच कर पाता हूँ। स्टार्टिंग में इसमें जो व्यू आ रहा था ये मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा था। रीज़न बीइंग कि जब यहाँ पे आप कैमरा लगाते हैं तो थोड़ा सा जो कार की जो बॉडी है वो भी आपके वीडियो में आ जाती है। तो स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने बार बार वही वीडियोस को देखा तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा सामने कैमरा लगाने के बजाय। बिकॉज जब गाड़ी आपको थोड़ी सी दिखती है तो एक व्यू एज अ व्यूअर आपको ये फील होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम थी बार बार उतर के कैमरे एंगल्स को चेंज करने की, कभी कभी मैं उतर के वहाँ लगाता हूँ लेकिन ज़्यादातर बार मैं यहीं पे अपना कैमरा माउंट कर लेता हूँ। जब हम लॉन्ग टूर्स करते हैं तो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है GPS, अपने मोबाइल में जो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। इसलिए गाड़ी में मोबाइल होल्डर होना बहुत मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे सामने एक जैप का ये मोबाइल होल्डर लगवाया है। काफ़ी पुराना है, 4 साल हो गए हैं इसको, लेकिन अभी तक ये अपनी जगह से हिला भी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और इसमें अपना मोबाइल में बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लेता हूँ और गाड़ी चलाते से चलाते मैं गूगल मैप्स बड़ी आसानी से इसमें देख लेता हूँ। हालांकि मैंने मम्मी से बोला है कि आप थोड़ा सा ये सब GPS वगैरह और गूगल मैप्स वगैरह देखना थोड़ा सीख लो ताकि कम से कम गाड़ी चलाते वक्त मुझे से ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, लेकिन नहीं। मैं GPS भी सीख लूँ, मैं गाड़ी भी सीख लूँ, मैं गाड़ी भी चला लिया करूँ, तू यहाँ बैठ के और ढोलक बजा। सब हम कर ले बेटा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे कुछ कैमरा एंगल्स, लेकिन तब उसमें कैमरा पोजीशंस माउंट में फिक्स हो जाती हैं। इसके अलावा GoPro की बहुत सारी एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से एक ये है क्लैंप माउंट। ये इस तरीके से कहीं भी अटैच हो जाती है। मैंने यहाँ पे GoPro लगाया और फिर इसको मैं अपनी मन मर्जी से कहीं से भी अटैच कर सकता हूँ ताकि कि अलग अलग एंगल्स आपको दिखें। जैसे यहाँ पे अपन ने विंडो में अटैच कर दिया, या फिर यहाँ पे अपन ने अपने सिर के बिल्कुल ऊपर अटैच कर दिया, यहाँ पे हैंडल जो बार लगा हुआ है यहाँ पे अटैच कर दिया। हालांकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इन फ्यूचर करूँगा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है ये है विंडस्क्रीन सक्शन माउंट। इसको हम विंडस्क्रीन में बड़ी आसानी से इस तरीके से अटैच कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे हम लोग GoPro अटैच करके इसमें भी अलग अलग एंगल से, डिफरेंट एंगल से, जहाँ भी हम चाहे विंडस्क्रीन में अटैच करके हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो मेरे को लगता है वो है ये, इसको कहते हैं एक रोटेटिंग ट्राइपॉड स्टेबलाइजर। इसमें हम ऊपर कैमरे को अटैच करते हैं और ये पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी ना जिनमें हम अलार्म लगाते थे, वैसे हम इसमें इसको ऐसे घुमा के अलार्म लगा सकते हैं। इसमें होता ये है कि अगर ऊपर हमने कैमरा अटैच कर दिया तो ये पूरा एक घंटे में पूरा एक रोटेशन लेता है। तो इससे अगर आप एक घंटे तक कैमरे को लगाए रखें तो फिर एक बढ़िया 360 डिग्री व्यू देता है। आई थिंक मैंने मेघालय के अपने एक लास्ट वीडियो में इसको यूज़ किया था। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर पूरा आपको एक रोटेशन लेना है तो एक घंटे का टाइम लगता है, और मैंने अगर मान लीजिए सामने माउंट कर दिया, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी काफ़ी धीरे चलानी पड़ती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है। हो सकता है कि आधा घंटा 40 मिनट तक आपने लगाया और उसके बाद कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और ये ऊपर से गिर गया, तो इसीलिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। कभी कभी छोटे आर्क्स में भी अगर आपने देखा हो तो मैंने टाइम लैप्स लेने के लिए इसको यूज़ किया है। अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी लगा के इसको और अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई ये सब कैमरा फिक्स करने से रिलेटेड थी। कैमरा कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक व्लॉगर असली क्रिएटिविटी तब दिखा सकता है जब ये ट्राइपॉड आपके हाथ में होता है। जैसे ये अभी मेरे हाथ में है, मैं इसको कहीं भी इस तरफ उस तरफ कहीं भी घुमा सकता हूँ, और फिर इसको हम कुछ अपना दिमाग लगाएं, कुछ क्रिएटिविटी लगाएं, अलग अलग एंगल्स निकालें। जब मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ तब मैं खुद तो ये कर नहीं सकता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है मम्मी के कंधों पे। ये लो मम्मी, आप ट्राइपॉड पकड़ो, थोड़ा दूर पकड़ो ताकि हम दोनों आए। बताओ कैसे करती हो आप? अब मुझे ये कैमरा पकड़ाता नहीं है कि बस मम्मी ऐसा करो, मम्मी वैसा करो, इधर देखो उधर देखो। एक तो मुझे कार में बैठ के सीनरी देखने मज़ा आता है, मैं बोर हो जाती हूँ उसमें, और ऊपर से इनके इंस्ट्रक्शन तो मुझे लगता है कि करो ही मत, मैं जैसे तैसे करके इसको पकड़ा देती हूँ। खैर जो भी है, मम्मी बढ़िया लेफ्ट साइड से गाड़ी के बाहर
तीन चार कैमरा एंगल्स ले लेती हैं और फिर उसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो आई थिंक सो मैंने कार के अंदर लॉगिंग के मोर और लेस लगभग सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। एक चीज मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड कैमरा भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपनी गाड़ी में। ये एक्चुअली मैंने सिक्योरिटी पर्पज से लिया था, लेकिन ब्लॉगिंग में भी ये कभी कभी काम आ जाता है। तो ये जो कैमरा है ये एक्चुअली में 24 घंटे चालू रहता है, पूरे टाइम जितने टाइम गाड़ी चालू रहती है चालू रहता है, बिकॉज ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। मान लीजिए सामने सड़क पे कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मेरे को लगा कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना था और मेरा कोई कैमरा चालू नहीं था, तो फिर मैं इसका मेमोरी कार्ड निकाल के इससे वो वाला वीडियो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें एक कैमरा जो है यहाँ पे सामने लगा हुआ है, एक पीछे भी लगा हुआ है, तो फ्रंट और रियर दोनों है इसमें। हालांकि वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, मेघालय के टूर में मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद मैंने दूसरा गोप्रो लिया था बिकॉज क्वालिटी मेरे को इसकी पसंद नहीं आई। बट बैकअप के लिए एक अच्छा है, कोई सही सीन मिस ना हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पावर बैंक। पावर बैंक मेरे पास हमेशा गाड़ी में दो रहते हैं बिकॉज गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, और पावर बैंक चार्ज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मम्मी की। ये सारी चीज़ें चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मम्मी की होती है, मम्मी बराबर इसको करती रहती हैं। जैसे अभी भी ये वाला जो गोप्रो था जो मैं दूसरा यूज़ कर रहा था, अभी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी इसकी चार्ज हो रही है। तो ये एक पावर बैंक एक और प्रोडक्ट है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ, मेरे पास दो पावर बैंक हमेशा होते हैं। तो आई थिंक सो इसके साथ ही मैंने जितने एस्पेक्ट्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं, है ना मम्मी? हाँ, ड्रोन तो रह गया। अच्छा हाँ, मैंने ड्रोन के बारे में आपको नहीं बताया बिकॉज मेरे ख्याल से ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, मैंने सोचा था बता दूंगा, लेकिन आई थिंक जैसे मैंने अपने ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में एक अलग वीडियो बनाया, ये वीडियो कार के अंदर सेटअप के बारे में था, तो ड्रोन के बारे में मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने ड्रोन को कैसे यूज़ करता हूं। तो मम्मी आज का वीडियो ख़त्म करें, चलो आप ख़त्म करो। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मम्मी अपने सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना, कैमरा एंगल और ये सामने का माइक हो गए ना अपने सारे पॉइंट्स कवर। मैं कह रही हूँ ना कि टिक लगाता जा भैया, तो याद रहेगा, इतने में कैसे पता लगेगा कि क्या हो गया और क्या नहीं, मुझे क्या पता। टिक लगाते जा, लगा लिया करो, ऐसे सिस्टमेटिक काम करोगे तो होगा ना।